हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपका पहाड़ी बंदा। और आज की वीडियो के बारे में बात करूं तो वो बांकायांग पे होने वाला है। और ये जो मेला होता है, इसकी खास बात ये कि ये 3 साल बाद सेलिब्रेट किया जाता है, हर 3 साल बाद। और इस वीडियो में मेले में क्या क्या होगा वो मैं दिखाऊंगा आपको, और इस मेले के बारे में भी बताऊंगा। तब तक वीडियो को चलो शुरू करते हैं। आज के दिन गांव के हर घर से महिलाएं और लड़कियां आती हैं सज संवर कर, और यहां माता के मंदिर में धूप बत्ती करती हैं। इस साल का बांकायांग मेला खास इस वजह से है क्योंकि श्री कामशी नारायण जी स्वयं डोंगनो रूप में यहां पर उपस्थित है। वरना बाकी टाइम में जब भी बांकायांग मेला होता था तो नारायण जी रथ रूप में नहीं होते थे, उनका सिर्फ क्रोह रूप जो होता था वही यहीं पर होता था। तो इस बार रथ रूप यही है, तो इस बार सेलिब्रेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा बाकी टाइम के मुकाबले। बांकायांग मेला, यह मेला हर 3 साल बाद सेलिब्रेट किया जाता है। और कुछ बड़े लोगों से बात करने पर ये पता चला कि काफ़ी सालों पहले यह मेला हर साल मनाया जाता था, पर वक्त गुजरने के साथ साथ यह मेला हर 3 साल के बाद मनाया जाने लगा। और इस मेले के पीछे एक कहानी यह भी कही जाती है कि कई सालों पहले इसी दिन इसी जगह पर कड़गांव के देवता श्री वांग महादेव जी और काफनो के देवता श्री कामशी नारायण जी के बीच में एक युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण था 18 ज्योतों के बराबर एक ज्योत, जिसे हम सोराय दिवांग कहते हैं। सोराय किन्नौरी में 18 को कहा जाता है, और दिवांग मतलब ज्योत। यह दिव्य ज्योत जिसके पीछे दोनों देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था। और आज भी काफनो के देवता श्री कामशी नारायण जी इन 18 ज्योतों के मालिक है। तभी तो एक गाना भी है, सोराय दिवांग मालिक जी कमाशु नारे।
जो आप ये चक्र रूप में देख रहे हो, यह हमारे मासु देवता जी है, जो कि साल में सिर्फ एक दो बार बाहर निकलते हैं, बाकी यह गुप्त रूप से अंदर ही रहते हैं। और आज भंकया के दिन भी इन्हें बाहर निकाला जाता है। This is like my head.